आज देखिए 9 वर्ष पूर्व भारत की कमान प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में हमने सौंपी। इन 9 वर्षों में भारत का चित्र बदलने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। इस देश के अंदर मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति लाकर दिखाई। एक समय वो था जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम आदमी को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी चुनकर आए तो मोदी जी ने कहा, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, 1 रुपया दिल्ली से भेजूंगा तो अंतिम व्यक्ति तक पूरा 1 रुपया पहुंचेगा, किसी को दलाली खाने नहीं दूंगा। और मोदी जी ने ये करके दिखाया। आज देखिए, गरीबी हटाओ के नारे तो कांग्रेस ही 50 साल से लगा रहे। गरीबी नहीं हटी, कांग्रेसियों की गरीबी हट गई, नेताओं की हट गई, लेकिन गरीब की गरीबी कभी नहीं हटी। पहली बार देश के अंदर गरीब कल्याण का एजेंडा मोदी जी ने लाया और सीधा बेनिफिट गरीबों को मिलने लगा। पहली बार ऐसा हुआ कि गरीबों के नाम से कोई दूसरा मलाई नहीं खा रहा है, सीधा योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही है। आज अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 2 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 45 लाख शौचालय का निर्माण हुआ है, 2 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है। आज कर्नाटक में करीब करीब 45 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा है, मतलब करीब 2 करोड़ लोगों तक पीने का पानी पहुंचा है। आज हम देख सकते हैं कि कर्नाटक के अंदर 25 लाख लोगों को उनका अपना मकान ये प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण मिला है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, घर की योजना हो, बिजली की योजना हो, गैस की योजना हो, सारी योजनाएं सीधी लोगों तक पहुंचती है। एक भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि जी मुझे घर चाहिए था और मुझे किसी ने पैसा मांगा। अब कोई बिचौलिया बीच में नहीं है, योजना सीधी जाती है, लोगों को उनके मोबाइल पर समझ में आता है अपने खाते में पैसा चला गया है। जिस समय मोदी जी जनधन के खाते निकाल रहे थे उस समय ये कांग्रेसी कह रहे थे, अरे किसी का बैंक का खाता खोलने से थोड़ी गरीबी दूर होती है। तब उनको पता ही नहीं था ये खाता खुल रहा है गरीबों के लिए, उनके लिए नहीं। वो जो पैसा मारकर ले जाते थे उनसे गरीबों को छुड़वाने के लिए खाता खुला है, और फिर खाते को जनधन अकाउंट को मोबाइल के साथ और आधार के साथ जोड़कर एक ऐसी क्रांतिकारी योजना तैयार की कि हमने देखा कोविड के समय जब बहुत ही परिस्थिति भीषण थी, ऐसे समय सीधा चाहे पेंशन का पैसा हो चाहे अनुदान का पैसा हो ये खातों में गया और लोगों को उस समय जीने के लिए एक सहारा मोदी जी के कारण मिला।